मैं नीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में आज हम बताने वाले हैं इस तरह का सुंदर और आसान फूल कैसे बनाते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आइएम ढाई एम एम के क्रोशिया के साथ हम शुरू करते हैं तो ये धागा लिया इस तरह से घुमाया और पीछे की तरफ ले गए अब ये क्रोशिया हमने नीचे से निकाला और पीछे वाला धागा आगे ले लिया ये हमारी नोट तैयार है अब हम 80 की चेन बनाएंगे 80 की तो ये वन टू थ्री इस तरह से हम 80 की चेन तैयार करेंगे 80 की चेन तैयार हो गई है अब हम आगे बनाते हैं तो ये एक दो तीन चार चार छोड़ेंगे पांचवे में, में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से इस तरह से अब हम तीन की चैन बनाएंगे एक दो तीन तीन की चैन लेके और हम एक दो छोड़ देंगे और तीसरे में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया अब फिर तीन की चैन बनाएंगे एक दो तीन तीन की चैन बनाएंगे और ये हम एक दो तीसरे में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इसी तरह से हम तीन की चैन फिर बनाएंगे एक दो तीन और दो छोड़ेंगे और तीसरे में बनाएंगे एक दो छोड़ दिया और तीसरे में हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया इस तरह से हम पूरी रो बना के यहां तक तैयार करेंगे अब ये हमारी पूरी रो तैयार हो गई है अब हम इसको यहां से लॉक करेंगे तो ये जो लास्ट है हमारा इसमें बनाएंगे हम ये तीन की चैन बना रखी है मैंने और ये जो लास्ट का है इसमें बनाएंगे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक की चेन बनाएंगे और ये हमने इधर वापस पलट लिया अब हम इसमें ये जो पहली वाली फर्स्ट वाली चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से दो में से निकाला फिर दो में से निकाला दो में से दो में से ये दो बन गए हमारे तीन चार पांच ये हमारे पांच डबल क्रोशिया हो गए अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे इसी में फर्स्ट वाले में ये हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया अब हम नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट वाली में अब फिर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पांच ये हमने पांच डबल क्रोशिया करे अब इसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से अब नेक्स्ट वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें भी हम पांच डबल क्रोसिया इसी तरह से हम पांच पांच डबल क्रोसिया करेंगे लास्ट में सिंगल क्रोसिया के साथ लॉक कर देंगे फिर अगली में भी हम सिंगल क्रोसिया से स्टार्ट करेंगे और पांच पांच डबल क्रोसिया बनाते हुए हम इसमें यहां तक पूरा करेंगे इसको ओवन के हमारी तैयार हो गई है आपकी कुछ इस तरह से दिख रही होगी और अब हम जहां से चेन बनाई थी वहां से हम आपको फोल्ड करके फ्लावर बना के दिखाते हैं तो ये हमने इस तरह से लिया और इस तरह से घुमाते लाए ऐसे घुमाते जाएंगे हम और ये इस हिस्से को थोड़ा सा ऊपर करते जाएंगे ऐसे फोल्ड हो जाएगा अब हम इसको यहां रख देते दे। हैं और ये जो धागा है हमारा इसको हम इतना काट देंगे यहां से यहां से इतना धागा हम कट कर देते दे हैं इसका और इसको और इसको हम पीछे की तरफ यहां से सुई से टाक देंगे हम अब इसके लिए हम पत्ती बना लेते हैं ये पत्ती के लिए हमने धागा लिया इस तरह से घुमाया और इसमें से ऐसे ये हमारी नॉट बन गई नॉट बना के हम इसमें दस की चेन बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये हमने दस की चेन बना ली है अब हम इसमें इस तरह से ये फर्स्ट वाला जो है इसी में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट वाले में ये धागा लपेटेंगे और नेक्स्ट वाले में और तीनों में एक साथ निकाल देंगे अब ये हम नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया करेंगे एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट वाले में अब हम दो बार धागा लपेटेंगे एक दो और नेक्स्ट वाले में बनाएंगे इस तरह से दो में से निकाला फिर दो में से और फिर दो में से एक बार फिर दो बार लपेटेंगे और इसी में बनाएंगे जिसमें ये बनाया है हमने पहले दो में से निकाला फिर दो में से और फिर दो में से हमने ये दो बार बना लिए एक में अब नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से फिर नेक्स्ट में डबल क्रोसिया हाफ डबल क्रोसिया करेंगे ये तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे और ये जो लास्ट वाला है इसमें हम सिंगल क्रोसिया करेंगे इस तरह से ये हमारी एक लाइन बन जाएगी अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे जो लास्ट वाला है इससे नेक्स्ट वाले में धागा लपेटेंगे और तीनों में से एक साथ निकाल देंगे धागा लपेटेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार और डबल क्रोसिया बनाएंगे अब जैसे हमने इधर दो बार लपेट के बनाए थे दो इधर भी ऐसे ही बनाएंगे एक दो और ये हमने इसी में लिया है जिसमें ये इधर ले रखा है दो में से निकाले दो में से और फिर दो में से एक बार फिर लपेटेंगे दो बार और इसी में से बनाएंगे दो में से दो में से और ये फिर दो में से अब हम डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट में एक बार और डबल क्रोसिया करेंगे नेक्स्ट में अब ये नेक्स्ट में तीनों में से निकाल देंगे अब यहां सिंगल बनाएंगे हम इसमें स्लिप स्टिच कर देते हैं इस तरह से पत्ती हमारी बनकर तैयार है अब यहां हम इसको लॉक कर देंगे और ये धागा कट कर देंगे हमने लॉक करके रखा फोल्ड करके रखा था और इस सुई में धागा डाल के रखा था तो अब हम इसको यहां से टाक देते हैं पीछे से ये जो हमारी लास्ट जो पत्ती है और ये जो इसमें हम जो आगे वाली पत्ती है जहां ये सेट हो रहा है उसी पत्ती में हम इसको टाक देंगे इस तरह से अब हम इसको इस तरह से करके और ये जो आपको चैन दिख रही है इनमें से हम हर चेन में से सुई को निकालेंगे और लास्ट तक एक बार निकाल देंगे पूरी में सुई को इस तरह से हम निकालेंगे हर चेन में तो ये हमारी फूल जो है सेट हो जाएगा अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे और इसमें फिर इधर से हम सारे उसमें निकाल देंगे सुई को अब इसी तरह से हम इसको अच्छा अब हम यहां से इसको लॉक कर देंगे ये हमने इसमें से निकाल दिया और ये धागा हम कट कर देंगे कट करके और फिर ये हम इसमें ये पत्ती है जहां हमारी ये पत्ती खत्म हो रही है वहां पे हम इसको इस तरह से टाक देंगे इस तरह से अब हम इसी धागे से हम पत्ती को भी टाक देंगे धागा हम कट कर देंगे अब ये फूल हम बन के हमारा तैयार हो गया है और बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लग रहा है और आसानी से बन जाता है उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे समझाने का तरीका और ये फ्लावर दोनों पसंद आए होंगे आपको अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें थैंक यू